हर इंसान कहीं ना कहीं चाहता है कि वो सुंदर दिखे। इसके चलते लोग अट्रैक्टिव दिखने के लिए क्या कुछ नहीं करते। विभिन्न आभूषण पहनने से लेकर तरह तरह के टैटू बनवाने पर तो ठीक था, लेकिन कुछ लोगों ने टैटू के मायने ही अलग निकाल लेते हैं और दुनिया की नजरों में कुछ अलग दिखने को कुछ ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जिसका उन्हें भारी भरकम खामियाजा भुगतना पड़ता है। दोस्तों, आज कुछ ऐसे बेवकूफ लोगों के बारे में जानेंगे जिन्होंने अपने शरीर को अलग दिखाने के लिए अपना शरीर ही खराब कर डाला। लेकिन दोस्तों, वीडियो चालू करने से पहले लाइक जरूर कर दें। लेट्स बिगिन। पहले नंबर पर आता है हेनरी रॉड्रिगेज। अगर आप मार्वल मूवी के फैन हैं तो कैप्टन अमेरिका के उस रेड स्कूल को जानते ही होंगे। उसका चेहरा लाल और नाक आधी कटी हुई होती है। दोस्तों, ये तो था किस्सों कहानियों का, लेकिन क्या हो जब एक व्यक्ति इसी तरह अपने आप को इस विलेन की तरह बदलने की कोशिश करे। रिजल्ट आपको इस वीडियो के माध्यम से दिख रहे हैं। हेनरी अपने नाक को काटने के साथ साथ अपने चेहरे को लाल रंग से पुतवा डाला है जिससे कि वो रेड स्कूल जैसा दिख सके। इस कारनामे को करने के लिए उसे केवल $40,000 खर्च करने पड़े। पहले तो उसने अपने आंखों को ब्लैक करवाया और अपने सर के ऊपर सिंगों जैसी संरचना बनवाई। इस दर्दनाक घटना को अंजाम देने के लिए अपने नाक को ही कटवा डाला। हेनरी को फर्क नहीं पड़ता कि लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं। उसे उसके 3 साल के बेटे ने एक्सेप्ट कर लिया है, फिर उसे बाकी की दुनिया से कोई परवाह नहीं है। दूसरे नंबर पर आता है टेड रिचर्ड्स। दोस्तों, ये शख्स ब्रिटेन में रहता है। इसने पागलपन के हद को पूरी तरह से पार कर डाला। अगर आप इस इंसान को गौर से देखोगे तो इस इंसान के कान ही नहीं है, और इसका कारण ये नहीं है कि ये बिना कानों से पैदा हुआ था, बल्कि इसके विचित्र दिखने को लेकर अपने कानों को सर्जरी करवा डाला। दरअसल इस इंसान को बर्ड्स बहुत पसंद है। इसकी तमन्ना बचपन से बर्ड्स की तरह रहना है। रिचर्ड्स को खुद पता नहीं है कि इसका ये पागलपन एक दिन मौत के घाट उतार सकती है। पहले तो इसने अपने आईबॉल और फेस पर टैटू करवा लिया, बाद में अपने सर पर छेद करवा लिया। उसने सिंगे भी लगवा ली। जब उनसे एक न्यूज रिपोर्टर ने पूछा तो उसने कहा कि अभी तो ये शुरुआत है। वो कहते हैं कि मैं जब भी शीशे में देखता हूँ तो मुझे खुद में कुछ कमी नजर आती है, और मैं तब तक नहीं रुकूंगा जब तक एक पक्षी में ना बदल जाऊं। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि इसका ये सपना इस जन्म में पूरा हो पाएगा? मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। नंबर 3 पर आता है मार्कस बॉयकिन। इस आदमी को देखकर लगता है कि ये इस गोले का ही नहीं है। इसने अपने चेहरे को भयानक रूप में बदल दिया है जिसे देखकर इसकी 5 साल की बेटी भी दूर भागती है। मार्कस एक टैटू आर्टिस्ट है जो लाइफ में कुछ अलग हटकर करना चाहता था, और फिर इसे अपने चेहरे को बदलने का आइडिया आता है। इसके बाद इसने अपने फेस में काफी सारी फेयरिंग करवा डाली। बस इसी के नाम से ही इसे क्रेचर के नाम से भी जाना जाता है। इन्हें अपने इस भयानक चेहरे से टीवी में काम करने का साथ साथ मौका भी मिला, और इन्हें काफी खामियाजा भी भुगतना पड़ा। मार्कस की पत्नी इस लुक को लेकर काफी नाखुश थी, और जब इसके बाद भी इन्होंने फैसला नहीं बदला तो नतीजा इनकी पत्नी ने डाइवर्स ले लिया। नंबर 4 पर आता है मार्टिना अडाम। जर्मनी में पैदा हुई मार्टिना हमेशा से ही ऐसा नहीं दिखती थी। जहां ब्यूटी कंपनीज मार्केट में लोगों को गोरा करने पर तुली है, वहीं मार्टिना का बचपन से ही सपना था कि वो अपने स्किन को काला कर सके, जिसके लिए मार्टिना को अपने शरीर में काफी सारे सर्जरी करवाने पड़े। इसके अलावा भी अपने शरीर में कुछ ऐसे चेंजेस करवाए हैं जिन्हें आप देखकर समझ ही गए होंगे। नंबर 5, जोएल मिगलर। 27 साल का यह लड़का अपने आप को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में नाम दर्ज करवा चुका है। इसके चेहरे पर ऐसा कोई भी जगह ना हो जिस पर इन्होंने सुराख ना करवाया हो। इसके चेहरे में छेद में से कुछ तो 40 mm से भी बड़े हैं। जोएल का कहना है कि जब 13 साल की उम्र में इन्होंने मॉडिफिकेशंस करवाया तो उसके बाद उन्हें बहुत दर्द हुआ, लेकिन फिर उस पेन को बार बार एक्सपीरियंस करने की एक आदत सी होने लगी। आज जोएल उस हर छेद वाली जगह को यूज करता है जैसे खाना खाने के लिए, ब्रश करने के लिए, लेकिन उसे अपनी इस पागलपंथी को बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। जोएल के सारे फ्रेंड्स दूर हो गए और समाज भी इसे अच्छा नहीं कहते हैं। भाई, आप ऐसे काम करोगे तो लोग आपको भला क्यों कोई चाहेगा? दोस्तों, आपको इनमें से कौन सा सबसे ज्यादा खतरनाक लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।